एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बरसते बारिश के बीच बूढ़ा तालाब के पास वादा निभाओ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में शामिल कर्मचारियों ने ठेका प्रथा बंद करने और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर जमकर आंदोलन किया। संजीवनी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने बताया कि पिछला आंदोलन उनका 41 दिन का था। पिछली सरकार ने उनकी मांगों को लेकर नजरअंदाज कर दिया था। 550 कर्मचारी आज भी पिछले एक साल से बाहर हैं। उनका उस समय भूपेश सरकार पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते मंच पर आकर वादा किया था कि आप लोगों की कार्य क्षमता के आधार पर मूल्य मिलेगा और यह ठेका प्रथा हटाया जाएगा, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी आज 7 महीने बीत गए, मांगों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए 6 सूत्री मांगों को लेकर वादा निभाओ रैली निकाली गई। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। अब देखना यह होगा कि भूपेश सरकार क्या एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है या फिर पिछली सरकार की तरह ही इनकी मांगों को नजरअंदाज करती रहती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल। बारिश नहीं